माँ की दुआएं आशु के साथ हैं, और आपको मालूम है कि माँ की दुआओं से अर्श हिल जाता है। इस वजह से मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा बेटा कामयाब होगा। एक माँ हूँ, माँ का जज्बा है कि भाई मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया, मैं खड़ी रही हूँ इनके लिए आए, और ये लोगों के लिए खड़े रहे हैं थाने में, कभी हॉस्पिटल में, कभी उन लोगों के लिए कि भाई उन्होंने बुला लिया फ़ोन करके कि इनके वहाँ आप हमारा काम करा दीजिए, तो भागे चले गए एक आवाज़ पर एक फ़ोन पर। आप सभी जानते हो, और ये 20 साल से जनता के बिना पावर में आए हुए ये उन लोगों के बीच रहे हैं, और जब आप सोचेंगे पावर में आएंगे तो कितना काम करेंगे। इन्होंने हमेशा ये हर एक फ़ोन पर, ना इन्होंने रात देखी, ना दिन देखा, ना धूप ना गर्मी, ना आंधी ना बारिश, कुछ नहीं, और ये भागे चले गए। पूरी पूरी रात में गेट पर खड़ी रही हूँ इनके इंतज़ार में। एक माँ हूँ, माँ का जज्बा है कि भाई मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया, मैं खड़ी रही हूँ इनके लिए आए, और ये लोगों के लिए खड़े रहे हैं थाने में, कभी हॉस्पिटल में, कभी उन लोगों के लिए कि भाई उन्होंने बुला लिया फ़ोन करके कि इनके वहाँ आप हमारा काम करा दीजिए, तो भागे चले गए एक आवाज़ पर एक फ़ोन पर। तो जाहिर सी बात है कि 20 साल से बिना पावर में आए हुए इन्होंने इतने सारे काम किए हैं, तो अब उसका मतलब इनको सिला मिलना चाहिए। ये तो पब्लिक देगी, इंशाल्लाह देगी, ओखला की जनता देगी। आप एक माँ होने के नाते क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता से? यही कहूँगी कि मेरा बेटा है और उसने लोगों के लिए काम किए हैं, उसका सिला उसको मिलना चाहिए। आप जब लोगों से मिलते हैं, लोग घर जाते हैं, तो क्या पूरा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है लोगों को? जी बहुत कुछ, बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि वाकई बहुत काम किया है आशु ने, बहुत काम किया है, इतने साल से बिना पावर में आए हुए बहुत काम किए हैं, और अभी भी उम्मीद है कि अब पावर में आने के बाद इंशाल्लाह हम जिताएंगे, तो पावर में आने के बाद बहुत काम करेंगे। उन लोगों को उम्मीद है, जो लोग हमसे मिले हैं उन्होंने हमसे यही कहा है कि नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आशु आएँ।